आज हैदराबाद नारकोटिक विंग और अफजलगंज पुलिस जॉइंट ऑपरेशन में 5 लोगों को गिरफ्तार करे। इन लोगों के पास 300 ml का हैश ऑयल, 5 सेलफोन और एक टू व्हीलर का बरामद हुआ। इसमें मेन पेडलर है आशुतोष, जो 26 ईयर्स का है। ये गौलीगुड़ा का रहने वाला है। ये अभी रिसेंटली एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉइन हुआ, प्राइवेट जॉब कर रहा है और दोस्तों को म्यूज़िक फील्ड में साउंड इंजीनियर का ट्रेनिंग भी देता है। और इसका 5 कंज्यूमर्स है। कृष्णा अनएम्प्लॉयड है, सैयद असद हैदर कुरेशी ये बिजनेस करता है रेती बोली में, सुरेश ये प्राइवेट जॉब एजुकेशनल कंसल्टेंट फिरजादी गुड़ा में करता है, और अब्दुल मुकीत ये कम्युनिकेशन ट्रेनर प्रॉपर्टी गुरु प्राइवेट लिमिटेड टोली चौकी में काम करता है। आशुतोष ये 2-3 साल से ये फील्ड में है, हैश ऑयल का सप्लाई लेना और इनके दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये 3 साल से चल रहा है इसका। इसका एक बॉटल इसमें 5 ml रहता, 5 ml का वैल्यू है 3000 से 5000 तक बेच रहे हैं। ये वाइजैग से आता है, वाइजैग में इसका वैल्यू 600 rupees है, 600 rupees से 1000 तक। अभी ये इतना ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इससे ज़्यादा बेच रहे हैं। और इस पूरे ऑपरेशन में HNU की तरफ से इंस्पेक्टर राजेश, इंस्पेक्टर रमेश, SI डैनियल वेंकटरामलु और अफजलगंज के SHO रविंदर रेड्डी और पूरा स्टाफ इसमें पार्टिसिपेट करे और इन सब लोगों की गिरफ्तारी हुआ आज। इनका फर्दर कहाँ से लेके आ रहे हैं और कंज्यूमर्स कौन कौन है, सप्लायर्स एजेंट्स को पूरा आइडेंटिफाई करके उन लोगों को भी गिरफ्तार करें। ये सिगरेट्स में यूज़ करते हैं, इसको सिगरेट डिप करते हैं, इसमें डिप करके ये गांजा का एक्सट्रैक्ट है। गांजा आपने अभी बताया कि वो कुछ डीजे सिस्टम का ट्रेनिंग ले रहा है, तो क्या कोई बब्बू में इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया हुआ है? नहीं, डीजे का नहीं, साउंड इंजीनियर। वो अभी इंक्वायरी चल रहा है, अब हमारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि गौलीगुड़ा में रहता है।